बैटमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में जून माह का पहला दिन गुरुवार को प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ पत्रकार गण, समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद मोरार एवं समस्त छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। स्कूल के टॉपर्स बच्चों के स्वागत पश्चात उपस्थित सभी बच्चों को यह बताया गया कि आपके प्रेरणा स्रोत है, आने वाले समय में आपको भी इनकी ही तरह तैयारी कर अपने विद्यालय व अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करना चाहिए। इसी के साथ संस्था संचालक मोहम्मद अमीन खान द्वारा बच्चों को समझाया गया कि अपना एक लक्ष्य तय कर उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करें, उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। अंत में मोहम्मद अमीन खान द्वारा पधारे पत्रकार एवं शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राओं का आभार माना गया। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मेरे माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी पूरी 12th क्लास की जर्नी में मुझे मोटिवेट किया और कभी भी मुझ पर डाउट नहीं किया। और जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे डाउट्स क्लियर करे और एग्ज़ाम के लिए मुझे गाइड किया कि कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा 12th में मैथ्स था। अब आगे आपकी क्या है योजना? मैं फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिता राजेश जायसवाल है। सर, कॉमर्स विषय को लेकर मेरी योजना 12th तक ही थी, आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। और हमारे बेटमा पब्लिक स्कूल, मेरे मम्मी पापा और जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उनका नाम रोशन करना चाहूँगी। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे विद्यालय को जाता है, मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि समय समय पर मेरे टीचर्स की डांट शक्ति के रूप में मुझे मिलती रही है, जिससे कि मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे भी मुझे अनुशासन जो यहाँ पर सीखने को मिला है वो मुझे ना सिर्फ 12th तक बल्कि आगे भी बहुत काम देने वाला है, जिससे मैं फिर एक अच्छी सफलता प्राप्त करूँगी। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि जितेंद्र जोशी है। हिसाब से जो बच्चा सक्सेसफुल होता है फिर उसके जितने भी परसेंटेज आते हैं वो केवल उसका स्कोर नहीं रहता है, उसके साथ में उसके जो आसपास बहुत सारे लोगों का श्रेय जाता है उसके लिए। और मेरे सफलता में जो हमारे टीचर्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो टीचर्स हैं उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ में कब हमें मोटिवेशन करना है, कब हमें डांटना है, उन्होंने हर चीज़ में मतलब बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है। हर चीज़ वो मतलब कब बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो बिना बोले समझ जाते थे, और हम नहीं बोलते उससे पहले ही वो सब कुछ कर देते थे। और वो जो मतलब चैप्टर्स वगैरह इतने अच्छे से समझाते थे ना, अगर कुछ बच्चा बैक बेंचर भी हो ना उसको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाता था। बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता का। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हमारे इस स्कूल का बेटा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।